आज हम बनाएंगे हरे धनिए और पुदीने से बनी हरी तीखी चटनी और इमली या गुड़ से बनी खट्टी मीठी चटनी, जिसे सौंठ भी कहते हैं। इन चटनियों का इस्तेमाल हम समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी या फिर भल्ले चाट पापड़ी के लिए करते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आइए हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं। पहले हम हरी तीखी चटनी बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें एक कटोरी साफ किया हुआ हरा धनिया चाहिए, आधा कटोरी पुदीने के पत्ते चाहिए, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर चाहिए, आधा चम्मच काला नमक चाहिए, एक नींबू का रस, दो या तीन हरी मिर्च या फिर अपने स्वाद अनुसार, आधा इंच अदरक का टुकड़ा। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी के जार में डालें। चार या पांच चम्मच पानी डालकर पीस लें। हरी तीखी चटनी तैयार है। चटनी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। ये चटनी फ्रिज में रखकर 4-5 दिन तक आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। हरी चटनी के बाद अब हम बनाएंगे अपनी खट्टी मीठी लाल चटनी। इसे बनाने के लिए हमने एक कटोरी इमली ली है, एक कटोरी चीनी, दो छुआरे भिगोकर लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिए, एक चम्मच किशमिश, एक चम्मच खरबूजे के बीज, एक चम्मच काजू को टुकड़ा कर लिए, आधा चम्मच सौंठ पाउडर, आधा चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 देगी मिर्च। हमने दोनों को मिलाकर लिया है। देगी मिर्च का कलर चटनी में आ जाता है। आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इमली को मसलकर उसका सारा पल्प एक छलनी की मदद से निकाल लें। इस पल्प में आधा कटोरी पानी मिला दें। और इसे धीमी आंच पर पकने दें। फिर चीनी भी मिला लें। इसे गुड़ से भी बना सकते हैं, इतना ही गुड़ लें, या फिर आधी चीनी और आधे गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चीनी मेल्ट होने लगे तो उसमें आधा चम्मच सौंठ पाउडर मिला दें, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालें, 1/4 चम्मच गरम मसाला डालें। वन फोर्थ चम्मच काला नमक डालें और 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक डालें।
आधा चम्मच लाल मिर्च डालें। इसके बाद खजूर, किशमिश और काजू डालें। फिर इसे धीमी आंच पर पकने दें। चटनी को हाथ से चेक करें। अगर हल्का सा तार आने लगे तो चटनी तैयार है, या फिर पानी में डालकर भी चेक कर सकते हैं। अगर लगे चटनी तैयार है तो आप गैस को बंद कर दें। रोस्ट किए हुए खजूर के बीज डालें। आप इसे 7-8 महीने तक ठंडा करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। हमारी दोनों चटनी तैयार हैं। आप इन्हें पकौड़े, समोसे, कचौड़ी, चाट, भल्ले, पापड़ी किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी के साथ।